हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में क्रोएशिया T10 के जो छठा मुकाबला खेला जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। और आज के दिन का ये पहला मुकाबला होगा जो कि खेला जाएगा जगरेब असेसिन्स और जगरेब वॉरियर्स के बीच में। देखो, ये कल के दिन भी जो पहला मुकाबला खेला गया था इन्हीं दोनों टीम्स के बीच में खेला गया था, और आज के दिन भी ये पहला मुकाबला इन दोनों टीम्स के बीच में खेला गया था। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से प्लेयर का आपको स्मॉल लीग में ट्राई करके चलना है, कौन से प्लेयर का आपको GL में ट्राई करके चलना है, प्लेइंग 11 क्या हो सकता है इस मैच में, एंड बैटिंग ऑर्डर किस प्रकार होगा इस मैच में, सब कुछ इस वीडियो में क्लियर समझा दूंगा। एंड प्लेयर्स ने लास्ट के 5 मैचेस में कैसा प्रदर्शन कर रखा है और ओवरऑल T10 उसका कैसा प्रदर्शन है, सब कुछ आपको डिटेल में कवर करके देंगे ताकि अपने आप से एक आप बेटर टीम क्रिएट कर सको। बाकी लास्ट में मैं आपको एक डेमो टीम दे दूंगा जिससे अभी के लिए आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेना। बाकी फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। देखो, कल के जो मैचेस थे मैक्सिमम मैचेस में बारिश के कारण बढ़िया से नहीं हुए थे, बट आज के मैचेस में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अच्छे मैचेस जाएंगे हमारे लिए भी और बारिश नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैच आपको मलाडोस्ट क्रिकेट ग्राउंड जगरेब में खेला जाएगा। ऑलमोस्ट सारे मुकाबले आपको यहीं पर खेलते हुए नजर आएंगे और जो कि पिच होगा ऑलमोस्ट सेम होगा सारे मैचेस में। तो ये भी आप ध्यान में रख के चलना, ऐसा नहीं कि जैसे जैसे मैच प्रोग्रेस होते जाएंगे वैसे वैसे आपको विकेट स्लो होता जाएगा। सेम पिचेस आपको पहले से लास्ट मुकाबले तक देखने को मिलेगा। यह मैच आपको 10 सितंबर को 12 बजे खेला जाएगा, जो कि दिन का पहला मुकाबला आपको इसी टाइम खेला जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन कर रखा है तो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहीं पर आपको फाइनल एंड अपडेटेड टीम आएगा। देखो, T10 मैचेस रिस्की होने के कारण सबसे बड़ा कारण होता है कि वहां के बैटिंग ऑर्डर फिक्स नहीं होता, प्लेइंग 11 फिक्स नहीं होता, और सब की कौन सा बॉलर 2 ओवर कराएगा कुछ फिक्स नहीं होता। बट आफ्टर टॉस में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ कि बेस्ट बैटिंग ऑर्डर आपके लिए क्या हो सकता है, प्लेइंग 11 इस मैच में क्या हो सकता है, और 2 ओवर कौन सा गेंद आज आपको कराते हुए दिख सकता है। और अगर कोई नया प्लेयर खेलता है तो मैं उसका स्टैट्स आपको टेलीग्राम पे शेयर कर देता हूं, तो एक बार जाकर ज्वाइन कर सकते हो, आपका फायदा ये नुकसान कोई नहीं है। तो एक बार जाकर चेकआउट कर लेना। और हाँ, हमारा व्हाट्सएप चैनल बैकअप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, मान लेना इन फ्यूचर कुछ भी होता है तो हमारे व्हाट्सएप चैनल पर हम कनेक्ट रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है दोनों चैनल का, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। बात कर लेते हैं अब जगरेब क्रिकेट ग्राउंड का पिच रिपोर्ट कैसा होगा। तो देखो, टोटल मैचेस 41 खेले गए जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 30 मुकाबले और सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 11 मुकाबले जीते हैं। तो जो टीम पहले बैटिंग कर रही है थोड़ा सा दबदबा उनका देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा खासा रन स्कोर करके दे दे रहे हैं और सामने वाली टीम उस टारगेट को चेस नहीं कर पा रही है। और इस टूर्नामेंट में आप ऑस्ट्रेलिया T10 लाइक और इटली T10 जैसे आप रन एक्सपेक्ट करके मत चलना कि 150 160 170 200 भी स्कोर हो जाएंगे। यहां पर आपको 120 से 130 के आसपास आपको रन देखने को मिलेगा और यहां का एवरेज स्कोर आपको 116 रन का है, जो कि ठीक ठाक माना जाएगा इस पिच के हिसाब से। बात कर लेते हैं दोनों टीम्स का रिसेंट परफॉर्मेंस का। तो दोनों टीम ने लास्ट के 5 मैच में 3 मुकाबले खेले हैं और 2 मुकाबले रद्द है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो को शुरू में ही बताया था, कल के दिन जो इनका पहला मुकाबला था वो रद्द रहा था। बात कर लेते हैं, ये देखिए दूसरा मुकाबला, इन्होंने भी 5 मुकाबले खेले और 3 मुकाबले जीते, 2 मुकाबले आ रहे हैं, दोनों का सेम सिचुएशन है। और अगर हेड टू हेड रिकॉर्ड देखा जाए तो टोटल 4 मैच खेले, बट अगर जो पॉसिबल मैच हुए उनके बता देता हूँ, 3 मैच खेले और तीनों के तीनों आपको जगरेब असेसिन्स ने ही जीते हैं। देखो, जगरेब असेसिन्स थोड़ी सी बेटर टीम है एज कम्पेयर टू जगरेब वॉरियर्स। तो अगर फेवरेट किसी टीम को बना के आप जा सकते हो उस मैच में तो जगरेब असेसिन्स को ही बना के जाना। बाकी देखते हैं जगरेब असेसिन्स के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस का। तो 97 बाबू का बात किया जाए तो रिसेंट इनका देखा जाए तो 32, फिर DNV, फिर 77, फिर 133। ओवरऑल में इन्होंने 9 मैचेस में 534 रन 140 के एवरेज से। और देखो, इनको आप स्मॉल लीग में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चलना। सबसे पहली बात, इनको ओपनिंग बल्लेबाजी मिलता है और ओपनिंग में एक कंसिस्टेंट बल्लेबाज है जो अच्छे खासे ऑलमोस्ट हर एक मैच में आपको रन स्कोर करके जाते हैं। जे दानुली का देखो 36, 0 विकेट, 0 रन प्लस 1 विकेट और 19 रन प्लस 1 विकेट। ओवरऑल भी देखोगे तो 36 मैच में 595 रन 20 के एवरेज से और 35 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है। आपके टीम के लिए सबसे बेस्ट कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के आपके पास ये ऑप्शन होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि आपको प्रॉपर 2 ओवर की गेंदबाजी करा के दे सकते हैं और ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेटर चॉइस यही होंगे। बिन्नू राजू का बात किया जाए तो कल एक मुकाबला खेला था और उसमें उनको बैटिंग नहीं आई थी। अगर बैटिंग आती है तो आपके लिए अच्छा खासा रन स्कोर करके जा सकते हैं। और मान लो तो ये प्रॉपर गेंदबाज जी इनको आपको मान के चलना है। योगेश बिल्लागे का बात किया जाए तो 3 मैच खेला और तीनों मैच में बैटिंग नहीं। और अगर आपने ऑस्ट्रेलिया T10 मैचेस को फॉलो किया होगा तो वहां पर इन्होंने कुछ मैचेस में काफी तगड़े रन स्कोर करके आ रहे थे। तो अगर नंबर 4 तक बल्लेबाजी करते हैं तो स्मॉल लीग की टीम में आप इनको बाय डिफॉल्ट ट्राई करके जा सकते हो। सरुण दास देखो 3 मैच खेले, तीनों मैच में बैटिंग नहीं। और ओवरऑल का बात करें तो 2 मैच में भी बैटिंग इनको नहीं आई। सागर नेपाली
दो मैच में बैटिंग नहीं और दो मैच खेला उसमें भी बैटिंग नहीं, मतलब ओवरऑल में भी देखा जाए तो देखो इनका और शारून दास के बारे में उतना बता नहीं सकते, बट सागर नेपाली एक अच्छे बल्लेबाज है ये आप ध्यान में रख के चलना। शारून दास विकेट कीपिंग से भी आप कुछ पॉइंट दे सकते हैं तो इनको भी आप पिक करके जा सकते हो इस मैच में। उसके बाद बात कर लेते हैं राजवंश सिंह डीएनबी और जीरो विकेट, ओवरऑल दो मैच खेला इन्होंने और जीरो विकेट इसमें पिक कर रखा है, तो राजवंश सिंह को स्मॉल लीग में चाहो तो ट्राई कर लेना बट मेरे लिए रिस्की ऑप्शन रह सकते हैं। रमेश बालू जीएल में ट्राई करके चलना। नेगल विंसेंट, देखो विंसेंट का बैटिंग ऑर्डर नंबर 9 दिखाया बट वो नंबर 3 तक बल्लेबाजी करते हैं तो उनको अपने टीम में बाय डिफॉल्ट ट्राई करके चले जाना अगर नंबर 3 तक बल्लेबाजी करते हैं तो। आकाश लमसल का बात किया जाए तो दो मैच खेले दोनों मैच में बैटिंग नहीं आई। अमल कृष्णा तीन मैच खेले तीनों मैच में बैटिंग नहीं, बट इनका ओवरऑल में 11 मैचेस में 6 विकेट इन्होंने पिक कर रखा है, तो आकाश लमसल को अपने टीम में अमन कृष्णा को अपने टीम में डेफिनेटली ट्राई करके जा सकते हो। देखो स्मॉल लीग में किनको ट्राई करना है तो नौशाद बाबू जे दानुलिका योगेश बल्लागे सागर नेपाली बिन्नू राजू भी अच्छे चॉइस हो सकते हैं आपके लिए इस मैच में, और फिर यहाँ से रमेश बालू नाइगल विंसेंट और अमल कृष्णा आपको स्मॉल लीग के लिए अच्छे चॉइसेस हो सकते हैं। बाकी बेंच पे आसिक प्रसाद नसीम खान और सचिन रीना आपको दिख सकते हैं। बात कर लेते हैं आपको एक बेहतरीन फैंटेसी ऐप के बारे में जहां आपको नहीं टीडीएस लगता है नहीं जीएसटी लगता है और सबसे बड़ी बात यहां पर 2 मिनट का एक्स्ट्रा डेडलाइन मिलता है, तो जो भी भाई डोमेस्टिक के मैचेस खेलते हैं लाइक हांगकांग डोमेस्टिक नहीं कर सकते इंटरनेशनल मैचेस कहेंगे उनको हांगकांग कुवैत और T10 के मैचेस कवर करते हैं जो अलग अलग मैचेस कवर करते हैं इनके पहली ओवर में विकेट गिरने के अच्छे खासे चांसेस होते हैं, तो इसके 2 मिनट के अंदर हम आराम से अगर पहली ओवर में 1.5 या 2 ओवर में भी अगर विकेट गिरता तो हम यहां पर आराम से चेंज करके अल्ट्रा क्लीन स्वीप कर सकते हैं। अगर आपने हमारा पिछला मैचेस टेलीग्राम पे कुछ फॉलो किया होगा तो हमने काफी अच्छे पैसे इस वजह से भी कमाए, तो डिस्क्रिप्शन में इस ऐप का लिंक मैं दे देता हूं। बाकी बहुत से फायदे आपको फ्री गिवअवे मिलता है हर एक मैच में 10,000 का या 20,000 का, तो सब कुछ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं जाकर एक बार चेकआउट कर लेना, खेलना नहीं खेलना आप पे डिपेंड करता है बट एक बार चेकआउट कर सकते हो आप। बाकी मेरा रेफर कोड यूज करोगे तो आपको बेहतरीन बेहतरीन फायदे मिलते रहेंगे। बात कर लेते हैं अब जगरे वॉरियर्स के प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस की, तो यहां से बात करते हैं अभिषेक अवस्थी 34 डीएनबी 0 और डीएनबी ओवरऑल में 31 मैच में 148 रन 9 के एवरेज से और 6 विकेट। देखो जगरे वॉरियर्स की बात किया जाना तो इनकी टीम वीक है एज कम्पेयर टू आपको असेसियंस की टीम के मुकाबले, तो इनको अपने जो प्लेयर्स है उनको कम पिक करके भी चलोगे तो चल जाएगा क्योंकि कई बार आपको 50 के अंदर भी आउट हो जाते हैं, ये इनका मेन डिसएडवांटेज है जिसकी वजह से इनके तरफ से हम कम प्लेयर ट्राई करके चलेंगे। संदीप सिंह कुछ खास रिकॉर्ड है नहीं ओवरऑल ना वेन्यू बट ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं इनका, जैसे अगर डोमेस्टिक में प्रदर्शन आपने देखा होगा तो काफी शानदार प्रदर्शन करके आ रहे हैं। वी जैन को एक अच्छे प्लेयर है अच्छा एक्सपीरियंस भी होल्ड करते हैं 39 मैच में 31 विकेट भी पिक कर रखा है इन्होंने और 78 रन भी स्कोर कर रखा, तो स्मॉल लीग के लिए बेहतरीन चॉइस आपके पास ये होंगे। बाकी ए मैग डे लेनिक की बात किया जाए तो 30-0-0-7 और डीएनबी 23 मैचेस खेले और 108 रन स्कोर किया 8 के एवरेज से और 6 विकेट भी इन्होंने पिक कर रखा है, तो ए मैग्डेनेलिक को पिक कर सकते हो आप स्मॉल लीग की टीम में। बाकी पी बॉस जेनेक की बात किया जाए तो 35 मैच में 65 रन कोई खास रिकॉर्ड है नहीं, शारून दास या अब पी बॉस जेनेक को दोनों में से किसी एक को ट्राई कर सकते हो, दोनों ही आपको सेम नंबर 5 या नंबर 6 पर बल्लेबाजी करते दिख सकते हैं और दोनों को कोई खास एडवांटेज भी नहीं है कि आपको अपर हैंड ऊपर बल्लेबाजी करने आ सकते हैं, तो किसी को भी आप ट्राई कर सकते हो। आर भारती कोई खास रिकॉर्ड है नहीं तो जीएल में ट्राई करके चलना। देखो आर सानू आर का बात किया जाए तो देखो इनका भी रिकॉर्ड कोई खास है नहीं बट देखते हैं अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं किसी के प्लेस में तो कर लेंगे हम। एम रिफदा का बात किया जाए तो जीएल में इनको डेफिनेटली रोटेट करके चलना। वीरेंद्र सिंह 6 मैच में 5 विकेट और रिसेंट में डीएनबी और 0+2 विकेट है। अंकित खड़का का बात किया जाए और इबाद फारूकी दोनों को आप जीएल में ट्राई करके चलना। देखो इनका रिकॉर्ड अवेलेबल है नहीं तो ज्यादा कुछ बता नहीं सकते बट हाँ ठीक ठाक प्लेयर है आप इनको जीएल में ट्राई करना क्योंकि वॉरियर्स की टीम थोड़ी सी वीक है तो क्या पता इनकी टीम कोलैप्स कर जाए। बाकी इनके बेंच पे संदीप सोनू और मीरो जोबाज और एच हाजनिक प्रेजेंट रहेंगे, अगर इनमें से कोई खेलेगा तो मैं रिकॉर्ड आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। देखो स्मॉल लीग में किनको आप ट्राई कर सकते हो आकाश अवस्थी संदीप सिंह वी जैन को तीनों अच्छे ऑप्शन है और ए मैग्डेलेनिक एम पी बोस ने जनक और शारून दास को एक ट्राई कर लेना। आर भारती जीए का रिस्की रहेंगे और यहाँ से ए आर सुनावर का बात किया जाए तो जीएल में ट्राई करना। एम रिफदा स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। वीरेंद्र सिंह स्मॉल लीग के लिए अच्छे चॉइस रहेंगे। अंकित खड़का और इबाद फारूकी को जीएल में ट्राई करके चलना।
बात कर लेते हैं दोस्तों कि अभी तक आपने हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लेना, क्योंकि देखो जो भाई वीडियो का इंपॉर्टेंस जानते हो उनको मैं आपको बता देता हूं कि वहां पर मैं आपको ऑलमोस्ट हर एक मैच का वीडियो अपलोड करता हूं, जो मैच आप खेल सकते हो सारे मैच का अपलोड करता हूं, और जो मैचेस का आपको वीडियो चाहिए इस वीडियो के कमेंट में बताते रहिएगा कि ये मैचेस चाहिए, मैं हम आपको अपलोड करते रहेंगे। तो वीडियो का इंपॉर्टेंस आपको पता ही होगा क्योंकि आपको हर एक प्लेयर्स के बारे में प्रॉपर एनालाइज करके आप एक टीम बनाते हो तो आपके जीतने के चांसेस बढ़ जाते होंगे। अगर वहीं पर आप तुक्के पर टीम तो 10 मैचेस 9 मैचेस आप डेफिनेटली हार के जाओगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाकर एक बार चेकआउट कर लेना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बात कर लेते अब टीम का, तो देखो विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने सारुन दास को ट्राई कर रखा है, बैटिंग सेक्शन से ए मैग्लेडेनी को ट्राई कर रखा है, एन विंसेंट, एन बाबू और एस सिंह को ट्राई कर रखा है। एस सिंह के प्लेस पे या ए मैग्लेडेनी को प्लेस पे मैं किसी और को ट्राई कर सकता हूं, और एन विंसेंट अगर इनका बैटिंग ऑर्डर कंफर्म नहीं होता तो मैं इनको भी ड्रॉप कर सकता हूं। बाकी ऑलराउंडर सेक्शन में वी जन को वीरेंद्र सिंह को ट्राई कर रखा, दोनों बेहतरीन चॉइस है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ऑलराउंडर सेक्शन में आर भारती, देखो इनको मैंने जीएल के लिए ट्राई करने के लिए बोला है बट बॉलिंग कराने के चांसेस रखते हैं, इसको वजह से स्मॉलिंग में ट्राई कर रखा है मैंने एस वादेकर, और यहां से जे दानुलिका और अमल कृष्णा को ट्राई कर रखा है। इनके प्लेस पे आप बीनू राजू को ट्राई कर सकते हो, वो ओपनिंग में मतलब टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के अच्छे खासे चांसेस रखते हैं। जे दानी कुला और यहाँ से एन बाबू कैप्टन और वाइस कैप्टन के सबसे डिफॉल्ट ऑप्शन है तो कोई और चेंज करने की जरूरत है नहीं। हाँ इनको रिवर्स कर सकते हो आप अगर आप चाहो तो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट मैच के वीडियो के साथ। अगर आपको आगे वाले मैचेस में वीडियो चाहिए तो इस वीडियो पर आपको प्रॉपर कमेंट चाहिए कि हाँ भाई अगले मैच में वीडियो चाहिए तो हम आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो लेकर आएंगे जीएल के लिए ऑलमोस्ट हर एक मैच में स्मॉल लीग की टीम के साथ। बाकी इस वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके आगे के मैचेस के लिए हम वीडियो लेकर आते रहे। धन्यवाद।